MBBS कहाँ से किया जाए, किस मुल्क से किया जाए? आजकल चाइना का भी एक ज़माने में, अब जिस जो रशियन स्टेट्स हैं जी जी, इनका भी बड़ा हिन्न है जी जी। फिर लोगों का शिकवा ये होता है भाई इधर आके मानते नहीं है, ये चाइना वाले डॉक्टर है, ये दूसरा डॉक्टर है, ये बड़ा एक है। मैंने डॉक्टर्स के अंदर ये तफरीक देखी जी जी जी। वो एक दो दोस्त हैं हमारे, तो उसने कहा नहीं यार ये तो वहाँ से करके आया हुआ है जी जी, यानी वो उसको कमतर दर्जे का डॉक्टर जी जी जी। आप इसको किस तरह से देखते हैं और कहाँ से बेस्ट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, जो करके आते हैं वो कौन है? पाकिस्तान। हाँ जी, कौन है? पाकिस्तान। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे ब्रेन से नवाजा है। ठीक है, ठीक है। डिग्री कहीं से भी करें, डिग्री कहीं से भी करें, अगर बच्चे की इनपुट अच्छी है, बच्चे ने वहाँ पर मेहनत की हुई है, बच्चे ने वहाँ पर काम किया हुआ है, तो आप यकीन करें चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है या बेसिकली आपका किंग एडवर्ड है, मीन या चाइना है या सेंट्रल एशिया रशिया है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कहीं से भी की हुई है, वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगा। नहीं लेकिन यहाँ का सिस्टम उसे मानेगा या नहीं मानेगा, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी डिबेट है, ये कंट्री लेवल पे डिबेट है। मैं समझता हूँ कि मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को PMC या PMDC के बारे में कोई बात करूँ। दे नो बेटर हाउ एंड दे हैव देयर ऑन स्टैंडर्ड्स, बट मैं एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो चाइना में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि चाइना में होती पब्लिक है, चाइना की सारी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सेंट्रल एशिया में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मीन रशिया में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फारूक भाई दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, आई ट्रेवल्ड माई सेल्फ, आई सी मैनी थिंग्स ओवर देयर एंड दे आर प्रोवाइडिंग बेस्ट फैसिलिटीज़ टू आवर स्टूडेंट। दो चीज़ें हैं मैंने देखी जो मेरे नॉलेज में आई। FSC का स्टूडेंट हमारा मेच्योर नहीं है, A-levels का बच्चा बहुत मेच्योर है ड्यू टू मैनी रीजन्स। FSC का बच्चा पहले एक दो साल बहुत इमेच्योरिटीज़ की वजह से अपनी एजुकेशन में बहुत कुछ लूज करता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा अपने एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करना होगा और वालदैन को भी अपने बच्चों को मेच्योर करना होगा। एक मेच्योर बच्चा किसी भी अच्छी डेस्टिनेशन में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ के बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया हूँ वहाँ पर अफ्रीका से भी बच्चे आए हुए हैं, वहाँ पर इंडिया से भी बच्चे आए हुए हैं, वहाँ पर चाइना से भी बच्चे आए हुए हैं, इवन हैरान कुन हद तक हैरान कुन बात है कि वहाँ पर अमेरिकन्स, पाकिस्तानी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन भी अपने बच्चे भेजे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स नहीं आए। तो प्राइवेट अमेरिकन MBBS बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव है, तो वो फिर इधर आके पढ़ रहे हैं, इधर आके पाकिस्तान से भी गए हुए हैं। ठीक है, उन बच्चों का एटीट्यूड, उन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, उन बच्चों के रिजल्ट जब मेरी किर्गिस्तान में, ताजिकिस्तान में, रशिया में, चाइना में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हेड से, उनके डिपार्टमेंट के लोगों से बात हुई, उन्होंने एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली की कि ये आपका बच्चा बहुत इमेच्योर, ये ऐसी चीज़ों की शिकायत करता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मीन लॉन्ड्री के प्रॉब्लम, फूड के प्रॉब्लम, फूड के टेस्ट के प्रॉब्लम, बेड के प्रॉब्लम, लाइट के प्रॉब्लम, हमें यहाँ से रोका जा रहा है हमें यहाँ, जबकि वो बच्चा जो इंडिया से आ रहा है, जो बच्चा मीन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अफ्रीका से आ रहा है, मीन उनकी ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो हमारा बच्चा इस तरह के शिकवे ज़्यादा, इस तरह शिकवे वो कर लेता है, और उससे उसकी देखिए डेफिनेटली थोड़ा सा भी स्ट्रेस, और स्ट्रेस एक मज़े की बात बताऊँ आपको, स्ट्रेस डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है जो, लेकिन मेरी अपने है, लेकिन हम अपना सेल्फ स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप करते हैं। हज़रत अली करमुल्ला वजह फरमाते हैं परेशानी में परेशान होना आपकी परेशानी को बढ़ा देते हैं। सिंपल, बच्चे को मेच्योर करना है। बाकी ये कंट्रीज, ये डेस्टिनेशन बेस्ट हैं, मीन वी आर डीलिंग डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, टू द यूनिवर्सिटीज़ इन किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड इन रशिया, बट वी आर ओनली डीलिंग विद द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, नॉट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप पूरी दुनिया में यानी बच्चों को भेज रहे, कोई ऐसा मुल्क है जिसका लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड ना हो और उसमें भी आपने बच्चे भेजे हैं? लग्जमबर्ग, अच्छा, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फिनलैंड, मीन नाउ इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, मीन मैं तब से काम करूँ, मीन 1998 से, मीन जब स्वीडन को लोग स्विट्जरलैंड कह लेते थे, मीन स्वीडन का पता ही नहीं था लोगों को, नहीं अभी भी फिनलैंड, मीन आप मेरे बहुत स्टूडेंट बेसिकली न्यूजीलैंड भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, दे आर स्टडिंग एंड न्यूजीलैंड हैज वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट, स्पेसिफिकली फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर्स एज वेल। तो ये भी लोगों के जहन में रहती है बात कि हम वहाँ पर जाएँ, अब चूँकि आप तो बड़े, आपके अंदर तो एक हुब्बुल वतनी का जज्बा भी है जी जी, तो आप कहते हैं जहाँ पर जाएँ भाई ये ना देखें हमारा मुस्तकबिल, लेकिन आज की जो कंडीशन है उसमें लोग कहते हैं भाई पढ़ने भी जाएं
और ऐसा कोई सिलसिला हो जाए कि मुस्तकबिल भी वहाँ से जुड़ जाए। भाई आप कोई बुरी बात नहीं अगर लोग जाना चाहते हैं। मेरिट पे बात करूँ फारूक भाई, द मेरिट इज किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, अच्छी तालीम ले लें, वो सिस्टम आपको खुद एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अगर आप राइट लेफ्ट शॉर्टकट्स मारेंगे, आपको मुश्किलात आ रही हैं, तो फिर आपको सिस्टम यूके का हो या यूएस का हो या ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा।